हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 10th of May से लेकर 16th of May तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Two of Pentacles, Seven of Stars, Four of Pentacles, Cardinal, and Ten of Pentacles. Okay, so मेरे पास है Four of Pentacles. Four of Pentacles के साथ ये है कुछ interesting होने के बारे में। I think इस week में ये person अपना सारा अटेंशन आपको ही देना चाहेगा। हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी पहले से कुछ प्लान्स बना रखे हों जो आपको वो इस वीक में बताएंगे। हो सकता है उन्होंने बहुत सारी छुट्टियां ले रखी हो वर्क से, या फिर उन्होंने कोई स्पेशल गेटअवे प्लान किया हो, लाइक छोटा मोटा ही सही, लेकिन इस पर्सन ने कुछ तो प्लान कर रखा है। और नहीं तो ये पर्सन हो सकता है कि आपसे लगातार बातें कर रहे हैं एंड आपको लगेगा कि आखिर इतना वक्त ही आपके लिए कैसे निकाल रहे हैं, कैसे आज उनको इतना वक्त मिल गया आपसे इतनी सारी बातें करने का, आपसे बार बार मिलने का। तो ये पर्सन कोई ना कोई रीज़न ढूंढता रहेगा इस पूरे सप्ताह आपसे मिलने का, आपसे अपनी मन की बातें करने का। बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए नहीं किया। और आप ऑब्वियसली कहते नहीं हैं बट डेफिनेटली आप फील जरूर करते होंगे कि आपको उनका उतना अटेंशन नहीं मिल रहा है। इस पर्सन को यह समझ में आता है कि एक लवर होने के नाते उन्हें जो अटेंशन आपको देना चाहिए था वो आपको नहीं दे पाए हैं सजिटेरियस। और अभी पर्सन इस चीज़ को चेंज करना चाहता है। ओके, ये जो फीलिंग्स हैं उनके मन में वो यूं ही नहीं है। ये पर्सन जानता है कि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है एंड बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं, बहुत वेट किया है और अब आपको आपके वेट का रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए, आपको वो मिलना ही चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं। तो ये पर्सन फाइनली अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है। और सजिटेरियस, ये पर्सन चाहे कितना भी अपनी फीलिंग्स को छुपाए या कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो आपकी, लाइक आप हो सकता है ये रीडिंग सुन के ये सोच रहे हो कि आपका पर्सन आपसे दूर है और उनका तो कहीं अता पता ही नहीं है। सो डोंट वरी, ये वीक आपको क्लोज ले आएगा। ये पर्सन कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा आपको अप्रोच करने का। मे बी ये पर्सन आपसे डायरेक्टली मिलने चले आए। और कार्डिनल के कार्ड के साथ मैं देख रही हूँ इस पर्सन को बहुत बोल्ड होते हुए, बोल्ड इन द सेंस कि ये बहुत एक्सप्रेसिव होंगे अपनी फीलिंग्स को लेके। सो जो भी बात है अभी तक सिर्फ आप एंटिसिपेट कर रहे थे, जिसका सिर्फ आप अंदाजा ही लगा सकते थे, जिसके बारे में आप सिर्फ सोच रहे थे, वो अब आपको डायरेक्टली इनके मुंह से सुनने को मिलेगी। और ये एक काफी इंटरेस्टिंग वीक होने वाला है बिकॉज इस पर्सन का ये साइड शायद आप पहली बार देखेंगे। ओके, ये हीरो वाला साइड, बिकॉज ये पर्सन अब आपको ये कन्विंस करना चाहता है कि वो आपके प्यार के काबिल है और आपको कोई एंडलेस वेट नहीं करना पड़ेगा। वो आपकी सिचुएशन को समझते हैं, वो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं एंड डेफिनेटली वो आपके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये पर्सन जानता है कि आपके ड्रीम्स क्या हैं और ये भी जानता है कि वो ड्रीम्स कोई भी ऐसे ड्रीम्स नहीं है जो पूरे ना किए जा सके, मतलब कि ये उनकी कैपेबिलिटी में है। और यहाँ पे 10 of Pentacles के साथ इनफैक्ट ये ड्रीम्स के पूरे होने के बारे में, सो फाइनली अब आप उस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से आप अपने उस फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे जिसका आपने सपना देखा था। 10 of Pentacles है सेलिब्रेशन के बारे में, 10 of Pentacles है एक यूनियन के बारे में, गैदरिंग के बारे में जो कि किसी खुशी को एंजॉय कर रही है। सो लगता है जैसे कि अब यहां से जो जर्नी आप शुरू करेंगे वो जाकर शादी पर ही रुकेगी। आप शादी तक पहुंच जाएंगे एंड उसके बाद बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपका वेट कर रही है। ये पर्सन अब और वेट नहीं करना चाहता। ऑल्सो 7 of Stars के साथ इस पर्सन को लगता है जैसे कि आपका और उनका कनेक्शन जो है वो हमेशा के लिए है, लाइक कुछ हमेशा के लिए आप दोनों के बीच जुड़ा हुआ सा है, उसे वो अलग नहीं कर सकते।
ये पर्सन बार बार पास्ट में देख रहा है और जितनी बार भी वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं उन्हें यही रियलाइज हो रहा है कि आपने कितना ज्यादा पेशेंस रखा है। आपके जैसा पर्सन ढूंढना आसान नहीं है। ये पर्सन ये देख रहा है कि आपने कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, आपने बिना उनके ज्यादा कुछ कहे भी इस रिलेशनशिप को ऐसे निभाया है जैसे कि आप एक अनकंडीशनल लवर हो। आपने कभी कुछ ज्यादा उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया और ये पर्सन जानता है कि आपका ये पेशेंस एंडलेस नहीं होगा। वो इस लव को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ऑल्सो उन्हें ये भी लगता है कि उन्हें इस लव को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। सो अब जो वो कन्फ्यूजन वाला टाइम था, वो डाउट्स वाला टाइम था, वो जो पॉज आपके रिलेशनशिप में, वो ओवर होने वाला है और एक नई स्टोरी यहाँ से शुरू होगी जिसे आप काफी इंजॉय करेंगे। ओके तो ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए सजिटेरियस। फॉर्च्यून्स व्हील, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ मून्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो हमारे पास है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन जैसा लगता है कि अपनी रिफ्लेक्शन को देख के हैरान है। उन्हें लगता है कि जो भी हो रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो ऐसा ये पर्सन क्यों फील कर रहा है, बट जहां तक मैं इस कार्ड को इंटरप्रेट कर पा रही हूँ, ऐसा लगता है सजिटेरियस कि इस पर्सन को लगता है कि वो आपके मिलने के बाद और ज्यादा बेहतर पर्सन बन गए हैं, और ज्यादा इम्पोर्टेंट उन्हें महसूस होता है, और ज्यादा वैल्यूएबल उन्हें महसूस होता है। उन्हें लगता है कि उन्हें उनके लाइफ का पर्पस मिल गया है। ओके उन्हें मकसद मिल गया है लाइफ को जीने का या इसे इंजॉय करने का। इससे पहले ये पर्सन लाइफ को काफी डल तरीके से देखता था, लाइक लाइफ में है ही क्या, कुछ चीजें हैं अचीव करने के लिए एंड उसके बाद क्या, यहाँ क्या स्पेशल है। एंड जब से आप मेरे इस पर्सन को लगता है कि हर एक मोमेंट एक्साइटिंग है, हर एक मोमेंट में कुछ नया है। सो आपके आने के बाद इस पर्सन ने खुद में बहुत सारे बदलाव देखे हैं, बहुत सारे बदलाव लाए भी है खुद से और इन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप परफेक्ट है। ऑल्सो एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि जो कुछ भी उन्हें मिला है वो बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है, ये पाना इतना आसान नहीं। ऑल्सो हमारे पास है फॉर्च्यून्स व्हील। तो फॉर्च्यून्स व्हील के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो वक्त के साथ हो रहा है और वक्त के साथ ही होता जाएगा। टैरो इस वक्त आपको कह रहा है कि फिलहाल पेशेंटली वॉच कीजिए चीजों को एंड आप देखेंगे कि जो कुछ भी आप अट्रैक्ट करना चाहते थे या जो कुछ भी आप डिजर्व करते हैं वो आप तक वन बाय वन आ रहा है। ऑल्सो हमारे पास है यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स। तो एट ऑफ सोर्ड्स के साथ डेफिनेटली आसपास कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं आपके। मे बी आसपास ऐसे लोग हैं जो कुछ एडवाइसेस देंगे आपके पर्सन को, जैसे कि उन्हें रुकना चाहिए, सोचना चाहिए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले। एंड ये सारी बातें हो सकती है, बट देन ये सारी बातें आपके पर्सन को रोकने वाली नहीं है बिकॉज यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन जानता है कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और आपसे जैसा कि मैंने कहा कि वो एक अलग ही तरीके का बॉन्ड महसूस कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये एक अलग ही कनेक्शन है और अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन अब और इग्नोर नहीं करने वाला है। ओके चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है सजिटेरियस। यस जस्ट से यस। ओके तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर आप किसी भी चीज को लेके डाउटफुल हैं, लाइक किसी पॉजिटिव सिचुएशन में आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आपका फ्यूचर पॉजिटिव होगा या नहीं, या ये पर्सन अपनी बातों पर टिका रहेगा या नहीं, या इनकी फीलिंग्स ट्रू है या नहीं है, आपको टैरो रिप्लाई कर रहा है यस। ओके जो भी पॉजिटिव चीजें हो रही है वो यस ट्रू है। एंड इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको चॉइसेस मिलती है और आप यस कहना चाहते हैं किसी पॉजिटिव चीज को, तो आगे बढ़िए बिना किसी डाउट के एंड यस कहिए। ओके अपनी खुशियों को।
तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.